हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूज कुकिंग हब। आपने आज तक बहुत सारी पनीर की डिशेस खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक पनीर की एक रेसिपी, पनीर भुर्जी। ये एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है जिसे ब्रेड पाव के साथ सर्व किया जाता है और इसका टेस्ट भी एकदम यूनिक है। तो आइए इस रेसिपी को बनाते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 कलर के यहाँ पे कैप्सिकम लिए हैं, 2 टमाटर लिया है, 1 बड़े साइज का प्याज लिया है। तो जितना छोटा हरा वाला कैप्सिकम है उतना ही हमें बड़े से भी लेना है। यहाँ पे कैप्सिकम को मैंने बराबर मात्रा में ले लिया है, जिसे बारीक टुकड़ों में कट किया है। टमाटर को मैंने ग्रेट कर लिया है और प्याज को भी मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। और अभी मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को हमें ग्रेट करना है, तो मैं यहाँ पे मोटे वाले ग्रेटर से इसे ग्रेट करूँगी, बहुत बारीक से हमें ग्रेट नहीं करना है। आप चाहे तो पनीर को हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं भुर्जी में, पर ऐसे डालने पे क्या, पनीर भुर्जी बहुत सुंदर भी दिखता है बनने के बाद, थोड़े थोड़े लच्छे दिखते हैं लंबे लंबे। तो इस तरह से मैंने सारे पनीर को यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, पैन में मैं यहाँ पे 4 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल आप जो भी यूज करते हैं वो कर सकते हैं फ्रेंड। 1 छोटी चम्मच यहाँ पे जीरा लिया है, जीरा के चटक जाने पे मैंने यहाँ पे अभी प्याज ऐड कर दिया है और प्याज को हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है। प्याज को तब तक भूने फ्रेंड जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए और थोड़ा सा सुनहरा ना दिखने लगे। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट तक मैंने यहाँ पे प्याज को भूना है। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच अदरक ग्रेट किया हुआ। अदरक को मैंने थोड़ा सा भून लिया है। उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, टमाटर को भी आप थोड़ा सा भून लें ताकि उसमें जो भी पानी हो वो सूख जाए। और साथ में मैं यहाँ पे 2 छोटे साइज की हरी मिर्च डाल रही हूँ, साथ में जो हमने कैप्सिकम को कट किया है वो भी डाल देंगे। और अभी इन सब चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट तक और भून लेंगे। और यहाँ पे हमारी सब्जियाँ भून चुकी हैं, अब देख सकते हैं थोड़ा भी पानी नहीं है। तो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने। अभी इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और हमें लो मीडियम फ्लेम पे इसे भुनना है। और फ्रेंड, हम लोग जो पनीर भुर्जी बना रहे हैं इसमें एक सीक्रेट मसाला है जिसे मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, साथ में 1 छोटी चम्मच यहाँ पे बटर भी ऐड किया है मैंने। और इसके साथ में हम लोग डालेंगे 1 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला, और ये हमारा सीक्रेट मसाला है जिससे हमारे जो पनीर भुर्जी है उसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा। फ्रेंड, आप जब भी ढाबा पे जाएँ या बड़े होटलों में भी जाएँ, ये मसाला ज़रूर डलता है पनीर भुर्जी में। और अभी इसे हमें ढक ढक के भुनना है, तब तक जब तक ये आप देखें ऊपर तेल ना आ जाए ऊपर से, इसे हमारे जो भुर्जी है उसका कलर काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो मैंने इसे ढक ढक के 5 से 6 मिनट तक भुना है लो फ्लेम पे। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये भुन रहा है इसका कलर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो इस टाइम पर मैं यहाँ पर 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करके हमें इसे उबाल आने तक छोड़ना है। आप चाहे तो अगर ड्राई बनाना चाहते हैं तो पानी को स्किप कर दे और पनीर डाल के आप इसे फ्राई कर दे। तो अभी यहाँ पे देखे उबाल आ चुका है ग्रेवी में, तो मैं यहाँ पे सारे पनीर को इसमें ऐड कर दे रही हूँ। पनीर को ऐड करके हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आप 1 से 2 मिनट तक इसे ढक के पका ले लो फ्लेम पे। तो अभी ये मिक्स हो चुका है, तो इस टाइम पे मैं यहाँ पे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, इसे भी हमें साथ में ऐड कर देना है। और अभी हम फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके बस इसे अभी हमें ढक देना है 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा पनीर भुर्जी मसाला बिल्कुल रेडी है। और साथ में मैंने यहाँ पे हरा धनिया भी डाल दिया है। तो अभी आपको जो भी पसंद हो उसके साथ सर्व करें। मैंने यहाँ पे टोस्टेड ब्रेड के साथ इसे सर्व किया है।
आप चाहे तो रोटी नान कुलचा जो भी आपको पसंद हो उसके साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी ये पनीर भुर्जी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।